नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल। बताते चले, अयोध्या जनपद के थाना कोतवाली बीकोपुर अंतर्गत नरोत्तमपुर गांव में पीड़िता ने मीडिया कर्मियों के सामने बताई अपनी पीड़ा। पीड़िता ने कहा, वरेश्वसुर बन रहे असुर बन कर रहे उत्पीड़न, आपसी बंटवारे के बावजूद भी दूसरे के बहकावे में आकर पुनः बंटवारा कराने के लिए सिविल जज दीवानी न्यायालय में दाखिल कर रखा है बंटवारे का मुकदमा। विवादित भूमि के बंटवारे का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी विपक्षी वादी स्वयं विधि विरुद्ध तरीके से निर्माण करने को तुले रहते हैं, जबकि बरसात के कारण मिट्टी की दीवार गिरने से पीड़ित उसे बचाने हेतु पीड़ित ने लगाई गई सरपत की टाटिया, जिस पर पीड़ित की सहन की दीवार कायम थी, जिसके गिरने के बाद टटिया लगाकर पर्दा बनाया है, जिसे हटवाने के लिए विपक्षी मुकदमावादी द्वारा पुलिस को बार बार बुलाकर नींद हराम करने पर तुले हैं। मेरी प्रशासन से गुजारिश है, दौरान मुकदमा निर्णय आने तक स्थायी निर्माण करने से संबंधित हकदारों को रोके। पीड़ित का कहना है कि पुवाल की टाटी स्थायी कब्जे निर्माण की श्रेणी में नहीं है। न्यूज रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फूलचंद अयोध्या की खास रिपोर्ट। आज का समस्या है तुम्हारी, बताओ। समस्या ये है कि मेरे बाप 3 भाई थे, वो सब बंटवारा अपने अपने सामने पे हो गए थे, लेकिन वो भी बड़े दादा तीनों हिस्से पे मुकदमा किए हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी हिस्सा चाहिए। अब दिक्कत क्या है मुकदमा करने के बाद? दिक्कत ये है कि सर कि वो नहीं बनवाए तो हम भी नहीं बनवाए, उसका भी नहीं बनना चाहिए। कोई बनावा थे तो है वो काफे का? हाँ, भी बनाते हैं, कुछ भी टटिया भी रखते हैं तो बोलते हैं, अपना भी बनवाते हैं, धमकी भी देते हैं, पक्का निर्माण करते हैं। पुलिस क्या करती है? पुलिस समझा के चली जाती है, कुछ नहीं करती है, कहते हैं तुम भी हटा लो, भी बनवाए, नहीं तो भी कोई नहीं। मुकदमा किसने किया है? आप लोग किए नहीं? नहीं, बड़े दादा।